15वीं सदी में जब मुगल बादशाह बाबर यहाँ आया था तो उसने अपनी जो जीवनी थी उसमें दो लोगों की तारीफ की थी, दो ऐसे हिंदू राजा जिनकी यहाँ तूती बोलती थी, एक राणा सांगा और दूसरे थे राजा कृष्णदेव राय। वही कृष्णदेव राय जिनके तेनालीराम के साथ तमाम कहानियाँ आपने सुनी होंगी, अब उन्हीं के बारे में एक बड़ी खबर आई है। तो उनकी राजधानी हम्पी जिसे यूनेस्को एक तरह से संरक्षित करता है, वर्ल्ड हेरिटेज की जो इमारतें हैं उनमें उसे शामिल किया गया है, और उस विरासत को संभाल के नहीं रख पा रही हैं सरकारें। कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी के किनारे, अब उस पर कुछ लोगों ने पहले फरवरी में एक वीडियो आया था, तीन लोग उसके कुछ ऐसे जो वहाँ पे भी इमारतों का अवशेष रह गया उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक वीडियो सामने आया था। और अब एक नया वीडियो सामने आया जिसे आप तस्वीरों में अभी देख रहे हैं कि कैसे इस वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ पुरानी इमारतें हैं हमारी विरासत जिसको खोद दिया गया है। दरअसल ये माधव संत हुआ करते थे जो कृष्णदेव राय के जो राजगुरु थे उन्हीं में से एक, ऐसे 9 माधव संतों की यहाँ समाधि बनी हुई थी, उन्हीं में से 2 संतों की समाधि खोद दी गई हैं। और किसको क्या मिलता है इसमें, कर्नाटक में बेंगलोर के जो नए सांसद बने हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने बाकायदा इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि कैसे कल्चरल हेरिटेज को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको आज़ाद मैदान मुंबई याद होगा जहाँ पे उत्साही युवाओं ने कैसे एक रैली में आके शहीदों से जुड़ा जो उनके स्मारक था उसको उजाड़ दिया था, और फिर ये हरकतें हो रही हैं। इसके चलते साउथ में लगातार अब प्रोटेस्ट हो रहा है, और ऐसे में तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे आउटरेज हो रहा है वहीं पे पुलिस काफ़ी सतर्क हो गई है कि कहीं कोई दंगा जैसी बात ना आ जाए, क्योंकि हिंदुओं की जो विरासत है और जो पुरानी विरासत है उसके अलावा माधव संत हैं जो कई राज्यों में पाए जाते हैं, हिंदू उन्हें काफ़ी आराध्य मानते हैं, उनको लेकर उनकी समाधियों को अगर तोड़ा जा रहा है और पुलिस कर्नाटक की जो सरकार है वो वैसे ही ट्रस्ट वोट में उलझी हुई है, और ऐसे में इतनी बड़ी बात हो गई। राजा कृष्णदेव राय इस भारत के इतिहास में बहुत ज़रूरी अहम स्थान रखते हैं और उनसे जुड़ी सारी विरासत कहीं ना कहीं हिंदू अपने आप को उसको अपना मान के चलते हैं, और ऐसे में क्योंकि ये माधव संतों से जुड़ा है, 9 माधव संतों की समाधियां थी उस जगह, ये तोड़फोड़ हुई है। अब इस तोड़फोड़ को लेकर पूरे कर्नाटक में नहीं पूरे साउथ में एक तरह से चिंता की बात है, पुलिस सतर्क है और कोशिश कर रही है इनका क्या किया जाए। और इधर सोशल मीडिया पर लगातार तेजस्वी सूर्या, शेफाली वैद्य जैसे लोग इस माहौल को बनाने में लगे हुए हैं कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जिन लोगों ने काम किया है। हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा आपको जरूर बताएंगे। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनखबर। थैंक यू, नमस्कार। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।